हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट निकालना सीखेंगे, यानी छूट निकालना सीखेंगे मोबाइल के जरिए से। मान लेते हैं कि आप किसी दुकान में जाते हैं, जैसे कि कपड़े की दुकान में चले गए, या फिर जूते की दुकान में चले गए, या फिर आप मतलब किसी भी दुकान में जाते हैं, वहाँ पर अगर आप कोई सामान लेते हैं, वहाँ पर अगर आपको 20%, 30% या फिर 15% किसी भी सामान पर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है, तो उस समय इंस्टेंटली जो है बहुत फास्टली आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और उस छूट को कैसे वहाँ आप निकाल सकते हैं अपने मोबाइल के जरिए, 1 से 2 सेकंड में आप कैसे उस छूट को निकाल सकते हैं, तो यही हम सीखने वाले हैं अपने मोबाइल से निकालना। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही छोटा सा एक वीडियो होगा जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और हेल्पफुल होगा। ठीक, तो चलिए निकालना सीखते हैं। जैसे कि यहां पे मान लेते हैं कि आप एक कपड़ा की दुकान में जाते हैं, ठीक, कपड़ा के दुकान में गए और वहां पे आपको जो है एक जींस पसंद आ गया, और वो जींस का और MRP, यानी उस जींस पे जो है MRP, आप एक जींस लेते हैं, आपको एक जींस पसंद आ गया, ठीक, और वो जींस जो है ब्रांडली है, ब्रांडेड जींस है, उस जींस का जो MRP है, MRP जो है उस पे 3500 रुपया उस पे दिया गया। ठीक, यहाँ पे हम आपको तरीका बता रहे हैं, 3500 रुपया और दुकानदार MRP उसका 3500, दुकानदार बोल रहा है कि इस MRP पे जो है, इस MRP पे आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 15% का छूट मिलेगा। तो फाइनली फाइनल प्राइस यानी एक्चुअल में हमें उस दुकानदार को कितना प्राइस देना पड़ेगा, और ये डिस्काउंट हम 3500 रुपये का 15% कैसे निकालेंगे अपने मोबाइल से, मोबाइल के कैलकुलेटर से बहुत ही फास्टली, तो यही इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल में कैलकुलेटर निकालेंगे, जब कैलकुलेटर निकालेंगे तो उस जो सामान ले रहे हैं उस सामान पे जो है, उस जींस पे MRP पहले जो प्राइस लिखा हुआ रहेगा वो लिखना है। दुकानदार जो आपको प्राइस बताता है वो प्राइस हमें लिखना है। तो यहाँ पे इस जींस का प्राइस कितना बता रहा है हमको, 3500 रुपये बता रहा है। तो यहाँ पे हम 3500 रुपये अपने कैलकुलेटर में टाइप करेंगे। चलिए 3500 रुपये कैलकुलेट करने के टाइप करने के बाद यहाँ पे अब हमें क्या बोल रहा है कि दुकानदार बोल रहा है इस 3500 रुपये आपको 15% का छूट मिल रहा है, यानी 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 3500 रुपये जो MRP है वो वहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद यानी हमें 15% उस 3500 में कम होगा यानी माइनस करना होगा। तो 3500 लिख करके हम क्या करेंगे, माइनस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये माइनस पे क्लिक कर देंगे तो ये माइनस हो गया। उसके बाद 15% है, तो पहले 15 है तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस के बाद 15 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज का भी साइन है। तो आपके हर एक कैलकुलेटर में परसेंटेज अलग अलग जगह पे होता है, तो यहाँ पे इस फोन पे परसेंटेज यहाँ पे है, तो -15 लिख करके परसेंटेज वाले पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा फाइनली जो है फाइनल, और यहाँ पे इक्वल पे कर देंगे तो फाइनल इसका प्राइस निकल के आ जाएगा 2975 रुपये, यानी उस दुकानदार को हमें जो है कितना रुपया देना पड़ेगा, तो 2975 रुपया देना पड़ेगा, यानी इस जींस का जो है 3500 रुपये दाम है और 15% डिस्काउंट करने के बाद 2975 रुपया निकल के आएगा। यही हमें दुकानदार को देना होगा, यही हमारा एक्चुअल प्राइस हो जाएगा 15% डिस्काउंट करने के बाद। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे कि अगर आप जूता लिए, ठीक, जूता यहाँ पे शूज जूता लिए, और उस जूते का जो कीमत है, ब्रांड वाला जूता लिए, उस जूते का कीमत है 7000 रुपया, 7000 रुपया उस जूते का कीमत है, और दुकान MRP प्राइस है, वो जूता पे जो MRP प्राइस लिखा हुआ रहता है वो 7000 रुपया, और दुकानदार बोल रहा है कि अगर ये जूता लेते हैं 7000 रुपया इस पे प्राइस है, तो इस पे जो है हम आपको 35% का डिस्काउंट देंगे, यानी 35% का यहाँ पे आपको छूट मिलने वाला है इस जूता पे। तो हम क्या करेंगे, 35% कैसे डिस्काउंट निकालेंगे, फोन से, मतलब वहां पे तो आप फोन ही ना लेके जाइएगा दुकान पे, तो फटाफट से हम फोन से ही डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो फटाफट कैसे निकालेंगे, मोबाइल खोलेंगे, कैलकुलेटर निकालेंगे, उसमें जो MRP दिया रहेगा वो लिखेंगे, तो 7000 MRP है, तो 7000 यहाँ पे हम MRP लिख लेंगे, 7000 लिख लीजिए। उसके बाद 35% का डिस्काउंट है, यानी 35% कम हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस पे क्लिक करेंगे 35, तो यहाँ पे पहले 35 लिखेंगे, माइनस के बाद प्रतिशत है, तो आपके फोन में परसेंटेज जहां भी होगा परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे, डायरेक्टली यहाँ पे आपका फाइनल प्राइस ही निकल के आ जाएगा, हमें लंबा प्रोसेस करना ही नहीं है। तो यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए कितना निकल के आएगा, 7000 - 35, यानी 7000 का 35% हमारा निकल के आ गया, यहाँ पे पूरा एक्चुअल में 4550 रुपये, यानी इस दुकानदार को जो है हमें 35% डिस्काउंट करने के बाद हमें 4550 रुपया दुकानदार को देने होंगे, यानी उस जूते का हमारा जो कितना दाम लग जाएगा, तो 4550 रुपये। तो इस तरीके से जो है हम डिस्काउंट निकालते हैं, छूट निकालते हैं किसी भी सामान का, कितना ना ही बड़ा सामान हो, कितना ही छोटा सामान हो, कितना भी उस पर डिस्काउंट हो, 35% हो, 50% हो, 90% हो, तो इसी तरीके से यही तरीका है। आपको पहले वो अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, जो परसेंटेज हमारा दिया रहेगा 20%, 30%, तो पहले जो नंबर रहेगा वो नंबर लिखेंगे, और जहां भी परसेंटेज का साइन रहेगा परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे, तो वहां पे आपका
अमाउंट निकल के आ जाएगा कि हाँ ये फाइनल प्राइस हमें दुकानदार को देने होंगे। तो यही तरीका है हमारा। आई होप ये मोबाइल से डिस्काउंट निकालना आपको अच्छे तरीके से समझ में यहाँ पे आ गया होगा, और आप जो है 5 विद इन 5 सेकंड आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर वीडियो को अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।